हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए बनाऊंगी चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और इसकी पूरी शीट भी हम घर पर ही बनाएंगे, होममेड शीट के साथ बनाएंगे। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सी और बहुत ही हेल्पफुल सी, तो बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। वीडियो पसंद आएगी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। और यहाँ इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम श्रेडेड चिकन बना लेंगे फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है 150 ग्राम बोनलेस चिकन, बहुत ही थोड़ा सा चिकन हमें चाहिए होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने डाला है 1 कप पानी, 2 तेज़पात ऐड करेंगे, 1 छोटी इलायची ऐड करेंगे और 1 टुकड़ा दालचीनी का मैंने लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून से भी आधा मैंने सॉल्ट डाला है। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मसाले डालने से क्या होता है ना, चिकन की जो एक हीक होती है वो नहीं आती है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अब यहाँ पर मैंने दिया है और इसमें बॉयल आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे पकने देते हैं जब तक कि चिकन टेंडर नहीं हो जाता और ये सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। और जब तक कि उधर हमारा चिकन पकता है, यहाँ पर हम शीट बनाने के लिए डो की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। नेक्स्ट इसमें हमने ऐड करना है ऑयल। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2.5 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड करना है सॉल्ट, ये मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है, मतलब मोइन लगाना है। और ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये देखिए मैं बांध रही हूँ तो बंध रहा है और आराम से टूट भी रहा है, इसका मतलब मोइन हमारा अच्छे से लगा है। और बस इससे ज़्यादा ऑयल आप नहीं डालेंगे। अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सेमी सॉफ्ट डो हमें बना लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखिए इसका मैंने एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल लगाना है, तो इससे क्या होगा कि ये जब हम रेस्ट पे रखेंगे ना तो इसके ऊपर का लेयर ड्राई नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैंने 1 कप पानी लिया था, तो इतना पानी हमारा बच चुका है इस डो को लगाने में। तो अब इसे हम रेस्ट पर रख देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। और वापस से चिकन की तरफ आते हैं, तो यहाँ देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसमें जो भी खड़े मसाले हैं ना, जैसे कि हमने तेज़पात डाला, दालचीनी डाली और इलायची डाला, ये सारी चीज़ों को हमने निकाल कर डिस्कार्ड कर देना है और इसे अभी हम ठंडा होने देते हैं। और यहाँ ये ठंडा हो चुका है, तो इसे अपने हाथों से इस तरह से हम श्रेड कर देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ कि बाहर जो स्प्रिंग रोल मिलते हैं वहाँ पर थोड़े से लंबे लंबे श्रेडेड चिकन होते हैं, तो वो क्यों होते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े साइज़ चिकन के यूज़ करते हैं वो लोग। मेरे पास छोटे वाले थे तो मैंने यही यूज़ कर लिया, आप बड़े वाले ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे श्रेड कर दिया है और अभी इसे साइड पर रखते हैं। और अब हमने बनानी है फिलिंग। मैंने पैन ले लिया, इसमें मैंने डाला 1.5 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 8 से 10 गार्लिक के क्लोव्स लिए थे मैंने, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे। और यहाँ देखिए जब गार्लिक के ऊपर इस तरह से हल्का सा कलर आ जाएगा ना, तो बस इसी स्टेज पर हमने ऐड करना है अनियन। ये मैंने एक बड़ी साइज़ का अनियन लिया था जिसे मैंने बहुत ही थिन स्लाइस किया है इस तरह से, तो ये भी हमने ऐड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ऐड करना है कैबेज। ये मैंने लिया है 1/2 कप कैबेज, जिसे मैंने बहुत ही फाइन एकदम थिन स्लाइस किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है कैप्सिकम, ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कैप्सिकम थिन स्लाइस करके। 2 टेबल स्पून मैंने बीन्स लिए हैं चॉप करके, फाइन चॉप किया है मैंने। उसके बाद 1 मीडियम साइज़ का गाजर को मैंने बहुत ही थिन किया है, ये भी ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने 8 से 10 ग्रीन चिलीज़ को मैंने चॉप करके ले लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। आप कम ज़्यादा अपने मुताबिक कर सकते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई करना है और यहाँ पर फ्लेम आपका मीडियम रहना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर आप इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद में उसके बाद चिकन ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे अभी अच्छे से मिक्स कर देना है। और नेक्स्ट हमने ऐड करना है टोमेटो केचप, ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने ऐड करना है रेड चिली सॉस, ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमने ऐड करना है ग्रीन चिली सॉस, ये मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। नेक्स्ट हमने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ पर देखिए मेरे पास सोया सॉस नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आपके पास सोया सॉस है तो आप ज़रूर से इसे ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमने करना है अच्छे से मिक्स और थोड़ी देर के लिए फ्राई। और इसे तकरीबन मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर देना है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट फाइन चॉप करके, ये मैंने लिया है 1/4 कप। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये बस यहाँ पर हमारा फिलिंग बनकर रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, अदरवाइज सब्जियों का क्रंच चला जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया और इसे ठंडा होने के लिए अभी हम साइड पर रख देते हैं।
और यहाँ पर डो को जो हमने रेस्ट पर रखा था ना, तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब डो को हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर डो को मैंने प्लेटफॉर्म पर निकाल लिया और इसे हल्का सा थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और उसके बाद इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ देखिए इसके मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा हमने लेना है, बाकी को हमने ढक कर रखना है। तो यहाँ पर एक पेड़े को हमने यहाँ पर सूखे मैदे में पहले डस्ट करना है और फिर इसे रोल करना है, बहुत ही थिन रोल करना है और बहुत ही बड़ा सा रोटी हमें एक रोल करना है। और यहाँ देखिए ये मैंने बहुत ही बड़ी सी और पतली सी रोटी बेल ली है कि आर पार हाथ भी दिख रहा है, तो इस तरह का होना चाहिए। वापस से प्लेटफॉर्म पर रख लेते हैं और इसका एक स्क्वायर पीस इस तरह से हमने कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अंदाज से कर रही हूँ, आप चाहे तो स्केल से भी कर सकते हैं। ये हमारा कट गया और जो भी हमारा कटआउट पार्ट बचा है ना, इसका हम वापस से हम बेल सकते हैं, तो ये हमारा वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसे वापस से आप मैदे में मिला लीजिए। और यहाँ पर एक मैंने प्लेट लिया है, इसके ऊपर मैंने सूखा मैदा पहले डस्ट किया है, उसके ऊपर हमने ये स्क्वायर वाला पीस को रखना है और इसके ऊपर भी हमने सूखे मैदे को इस तरह से डस्ट करना है और इसे अच्छे से अपने हाथों से चारों ओर फैला लेंगे। तो ऐसा करने से नेक्स्ट लेयर जब हम इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इसी तरह से और भी स्क्वायर पीस हमने अभी बना लेने हैं, तो अभी हम इसे साइड पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रोटी जैसे हमने पहले बेली थी ना, वैसी बेल ली है, बिल्कुल पतली सी और बड़ी सी। अभी मैंने इसे अभी साइड पर रखा है और इसी तरह का और भी हम रोटी दूसरा बेल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए दूसरा भी बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैंने सूखा मैदा अच्छे से डस्ट करना है और चारों ओर अपने हाथों से फैला लेना है इस तरह से। और यहाँ पर जो मैंने पहली रोटी बेली थी, उसे हमने इस दूसरी रोटी के ऊपर में रख देना है, बराबर से फैला लेना है। और जो बीच में हमने मैदा दिया ना, सूखा मैदा, उसके वजह से ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करना है और अपने हाथों से चारों ओर फैला लेना है, ताकि इसके ऊपर जब हम नेक्स्ट डालेंगे तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब इसके हमने एक प्लेट के ऊपर रख लेना है, तो प्लेट के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लिया है और यहाँ पर हमारी दो रोटियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। इसी तरह से हम और भी बना लेते हैं। और ये देखिए ये मैंने तीसरा वाला भी बना लिया और इसके ऊपर रख लिया है। अब इसके ऊपर भी सूखा मैदा डस्ट करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हर एक स्टेप के बाद, हर एक रोटी के बाद आपने सूखा मैदा डस्ट करना है, अदरवाइज़ ये एक दूसरे में चिपक जाएगी। इसे साइड पे रखते हैं और इसी तरह से मैंने कई सारी रोटियाँ बनाकर एक के ऊपर एक इस तरह से रख लिया है। अब इन सारी रोटियों को एक साथ उठाना है, प्लेटफॉर्म पर लेना है हमें। और यहाँ पर जो मैंने स्क्वायर पीस कट किया था ना, ये हमारा माप बन जाएगा यहाँ पर, और इसके साइज़ का हमने यहाँ पर स्क्वायर पीस कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे एक साथ ही कई सारे स्क्वायर पीस बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इसे आप बराबर से कट कर ले और जो भी हमारा कटआउट पार्ट बचेगा उसका हम वापस से स्प्रिंग रोल शीट बना लेंगे। तो ये हमारा बनकर रेडी हो गया है स्प्रिंग रोल शीट, एक साथ ही कई सारे। और यहाँ पर देखिए जो स्प्रिंग रोल शीट है, इसे मैंने एक प्लेट के ऊपर रख लेना है, फिर इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करना है, फिर इसके ऊपर दूसरा रखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पर कट करने के बाद ना क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो ये मैदे एक दूसरे में थोड़ा सा साइड्स में चिपक जाते हैं। तो बस साइड्स को आपने थोड़ा सा आराम से खोलना है, तो ये आराम से खुल जाता है। और इस तरह से देखिए हमारा स्प्रिंग रोल शीट बनकर रेडी हो गया, कितने पतले पतले से। तो बस इसे मैंने पहले वाले के ऊपर रख देना है और फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करना है और इसे अपने हाथों से फैला लेना है। फिर इसके ऊपर हम तीसरा स्प्रिंग रोल शीट निकालेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, और ये प्रोसेस को आपने कंटिन्यू करना है जब तक ये सारे स्प्रिंग रोल शीट अलग अलग ना हो जाए। और ये देखिए ये मैंने सारे स्प्रिंग रोल शीट को एक के ऊपर एक सूखा मैदा डस्ट करके रख लिया है। और यहाँ पर जो हमारा कटआउट पार्ट बचा है ना, इसके हम वापस से ये स्प्रिंग रोल शीट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बना लिए हैं और यहाँ पर हमारा टोटल 15 स्प्रिंग रोल शीट बनकर रेडी हो गया है। और ये देखिए बस इतना सा हमारा कटआउट पार्ट बचा है, ये हम किसी रोटी वगैरह में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे अभी हम साइड पर रख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमने एक घोल बनाना है, तो यहाँ पर मैंने जो घर के टीस्पून होते हैं ना, उससे माप करके 4 टीस्पून मैदा लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल बना लेंगे, तो ये हमारे स्प्रिंग रोल शीट को सील करने में मदद आएगा। तो ये देखिए इस तरह का मैंने घोल बना लिया है, अभी हम इसे साइड पर रख लेते हैं। और यहाँ पर जो मैंने स्प्रिंग रोल शीट बना कर रखे थे, एक मैंने यहाँ पर लेना है और ये फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर बीच में इस तरह से सेंटर में हमने थोड़ा सा ऊपर का पार्ट छोड़ देना है, उसके बाद इस तरह से हमने रखना है और इस तरह से लंबाई में थोड़ा रखेंगे। और ज़्यादा फिलिंग डालेंगे तो थोड़ा मोटा स्प्रिंग रोल बनेगा, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मैंने 1.5 टीस्पून के करीब डाला है। उसके बाद एक साइड से मोड़ा, फिर यहाँ पर मैंने दूसरे साइड से इस तरह से मोड़ा है और अब हमने ऊपर से रोल करना है और बिल्कुल एक टाइट रोल बनाना है, ताकि ये कहीं से भी फूले नहीं और कहीं से भी हमारा ऑयल अंदर ना जाए। तो इस तरह से आपने रोल करना है
और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जो छूट गया ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे ये सेलरी, ये घोल जो हमने बना कर रखा था, तो इससे ये अच्छे से सील हो जाएगा। तो ये मैंने अच्छे से लगा लिया है और अब हमने आगे इसे फ्लिप करते हुए रोल करना है और इसे अच्छे से सील कर लेना है। तो ये देखिए ये एक हमारा स्प्रिंग रोल रेडी हो गया है। अभी हम इसे साइड पर रखते हैं और इसी तरह से और भी बना लेते हैं। और इसी तरह से मैंने कई सारे स्प्रिंग रोल इस तरह से बनाकर रेडी कर लिए। तो आप इसे इस तरह से स्टोर भी कर सकते हैं। कैसे स्टोर करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अभी चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने में भी एक बहुत बड़ी ट्रिक है कि यहाँ पर आपको ऑयल का टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्प्रिंग रोल ऐड किया, तो इस तरह से छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं और ये फ्लोट होके फौरन से सरफेस पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल है। तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म में भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा ठंडे ऑयल में भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर अभी हम इसे एक साइड से पकने देते हैं आराम से, फिर एक साइड से जब इसका हल्का सा कलर आ जाएगा ना, फिर हम दूसरे साइड पे पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने पलट लिया है इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से इसको आराम आराम से हम सेकने देते हैं जब तक इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्प नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए ये बहुत ही नाइस गोल्डन कलर आ चुका है, इससे ज़्यादा कलर हमें नहीं लाना है और ये बहुत ही सुपर क्रंची और क्रिस्प हो चुका है। तो बस इसे निकाल लेंगे और यहाँ पर ये हमारी अमेजिंग सी रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। ट्राई ज़रूर करेंगे इस रमज़ान, फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे मेरी रेसिपी कैसी लगी है। एक मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि यह कितना क्रिस्प और क्रंची बना है। तो जो स्प्रिंग रोल होते हैं ना, वो क्रिस्प और क्रंची ही होते हैं, उसकी आउटर कवरिंग सॉफ्ट कभी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग लिक्विड डो से बना लेते हैं पर वो स्प्रिंग रोल नहीं होते, वो पंतरास होते हैं। की रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर दी हुई है, आप ज़रूर से चेकआउट करेंगे, वो भी बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी होती है। लिंक मैं आप आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में डाल दूंगी। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था कि इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो मैंने एक डब्बे में पहले क्लिंग रैप को लगाया, उसके ऊपर मैंने स्प्रिंग रोल इस तरह से जो मैंने बना के रखे थे ना, वो मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। इसके ऊपर वापस से हमने क्लिंग रैप को अच्छे से फैला लेना है। अगर क्लिंग रैप ना हो तो आप नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो फूड ग्रेड मटेरियल नहीं होता है ना, और अगर आपको किसी चीज़ को स्टोर करना है तो आप फूड ग्रेड मटेरियल ही यूज़ करें तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर लिड को लगा करके इसे आपने फ्रीज़र में रख देना है, और जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसे फ्रीज़र से निकालेंगे, इसे रूम टेम्परेचर पर लाएंगे और फिर आप इसे फ्राई करके इन्जॉय कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे, और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।